हे गाइस, वेलकम बैक टू मोड 5 व्लॉग्स। मैं हूं अमित। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीट शील्ड के बारे में। सो बेसिकली अपना जो हेडर पाइप होता है, जिसको कहते हैं बेंड पाइप, वहां पे मैं लगाऊंगा ये प्रोडक्ट। ये है हीट शील्ड फ्रॉम लेजेंडरी कस्टम बिल्ड्स, और इसकी आप पैकेजिंग देख सकते हो, जीबी रेसिंग की पैकेजिंग है। बट जो प्रोडक्ट है वो है लेजेंडरी कस्टम बिल्ड का। सो इसको करूंगा अनबॉक्स एंड इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, इसके प्रोज एंड कॉन्स, इसके एडवांटेजेस, क्या क्या इसके फीचर्स हैं एंड कितने प्राइस का है एंड कहाँ से ले सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको इस वीडियो में। मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। ऑलराइट गाइस, सो ये है पैकेजिंग। अब इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं हम। तो बॉक्स इन बॉक्स पैकेजिंग है, ये देख सकते हो। यहाँ पे क्रोम, मैट क्रोम एंड मैट ब्लैक, तीन कलर ऑप्शन यहाँ पे है। हीट शील्ड स्नाइपर राइफल डिज़ाइन दिया हुआ है। सो बेसिकली जो लुक है बिल्कुल वैसे ही स्नाइपर राइफल, या आप कह सकते हैं राइफल वाला लुक है। यहाँ से मैं कट कर देता हूँ एंड यहाँ पे गाइडलाइंस दी हैं इंस्टॉलेशन के लिए, जो आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरह से इसको फिट करना है। ऑलराइट, सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये है हीट शील्ड, परफोरेटेड डिज़ाइन दिया हुआ है। यहाँ पे काफ़ी सारे ये होल्स हैं एंड जैसे कि यहाँ पे बॉक्स पे मेंशन था, ये है राइफल डिज़ाइन, स्नाइपर राइफल डिज़ाइन। तो देख सकते हो दोनों तरफ पाउडर कोटिंग की हुई है इसके ऊपर। सो ये है मैट ब्लैक, जो कि आपकी पूरी बाइक से मैच करेगा। जैसे मेरा बाइक यहाँ पे देख सकते हो मैट ब्लैक में है, जो भी इसके इंजन और इंटरनल पार्ट्स हैं सब ब्लैक्ड आउट हैं। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही लुक में आपको मिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा मैच करेगा ये। तो इसको मैं फिट करूँगा एंड इसके साथ साथ यहाँ पर आपको ये क्लैंप मिलते हैं। तो ये दो क्लैंप्स हैं, बेसिकली क्लिप्स हैं, जो कि स्क्रू ड्राइवर से यहाँ पे लॉक होते हैं। तो ये आपको यहाँ पे फिट करना है एंड इसके साथ आपको इसको अटैच करना है अपने बैंड पाइप पे। तो जल्दी से करते हैं इसकी फिटिंग। ये देख सकते हो पूरी तरह से खोल लिया एंड यहाँ से ये इसके अंदर आ जाएगा, और दूसरे को भी ऐसे कर लेते हैं। ऑलराइट, तो ये हो गया। अब इसको फिट करना है, तो फिट करने के लिए सबसे पहले तो ये जो क्लिप्स हैं इसको दोबारा से पूरा खोल लेना है। ये देख सकते हो ऐसे खोल के और यहाँ पे फिट करना है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये फिट हो चुका है एंड ऑब्वियसली ये जो चीज़ थी ये रॉयल इनफील्ड के लिए है, तो क्लासिक स्टैंडर्ड एंड थंडरबर्ड पे लगता है। बट अगर आपकी बाइक BS6 है तो वहाँ पे नहीं लग सकता, बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी एक फिल्ट्रेशन आता है, एडिशनल फिल्टर आजकल की जो बाइक हैं उसमें आता है, तो वहाँ पे आपको ये नहीं लगेगा। ऑल्सो जो 650 ट्विन्स हैं एंड हिमालयन पे भी ये कंपैटिबल नहीं है। बट बाकी जितनी भी BS4 बाइक्स हैं, क्लासिक, स्टैंडर्ड एंड थंडरबर्ड, तीनों पे लग जाएगा ये। रही बात इस प्रोडक्ट के बारे में, तो देखो ये जो प्रोडक्ट है इसका इंटेंट सिर्फ इतना ही है कि जो एक्सेस हीट रहती है उसको डिसिपेट करना। तो यहाँ पे परफोरेटेड होल्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे जो हीट है प्रॉपरली डिसिपेट हो जाती है, और जो टच से एक्सीडेंट हो जाते हैं, बच्चे हैं, पेट्स हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ से अवॉइड की जा सकती है। ये बेसिकली फ्लोटिंग टाइप है, पूरी तरह से हवा में सिर्फ दो कह सकते हैं क्लैंप पे ये होल्ड किया हुआ है, अच्छे से प्रॉपरली फिटेड है। यहाँ पे ये 304 ग्रेड का स्टेनलेस स्टील है, तो यहाँ पे रस्टिंग नहीं होगी, नॉन कोरोसिव मटेरियल है, तो इसके लिए भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे रस्टिंग का कोई भी चांस नहीं होगा। ऑल्सो जो आपका जो मेन बेंड पाइप है, जो आपका हेडर पाइप है, वो भी ख़राब नहीं होगा इसकी वजह से। तो ये भी अच्छी चीज़ है, मतलब एक परमानेंट सॉल्यूशन मिल गया आपको यहाँ पे। आपको बार बार चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है, जो कि रात में कराना पड़ता है हर एक दो साल के बाद, क्योंकि वो ख़राब हो जाता है पानी से और डस्ट वगैरह से। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको परमानेंट एक फिक्स मिल जाती है। ऑब्वियसली जो ये चीज़ है इसका पर्पज़ है हीट को डिसिपेट करना, यानी काफ़ी अच्छी तरह से करता है ये चीज़। अगर आपने नोटिस की होगी, काफ़ी सारे जो एग्जॉस्ट होते हैं वहाँ पे भी ये चीज़ दी रहती है फॉर दी सेम पर्पज़, हीट डिसिपेशन, बिकॉज हीट काफ़ी जल्दी यहाँ पे क्रिएट होता है एंड वो चीज़ डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट ना हो यहाँ पे, इसके लिए ये परफोरेटेड दिया रहता है, तो ये जल्दी कूल डाउन हो जाता है क्योंकि एयर इसके अंदर से पास होती है, वेंटिलेट होती है, तो इसके लिए ये डिज़ाइन दिया जाता है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे फॉलो किया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो जो डिज़ाइन है वो परफोरेटेड दिया हुआ है, एंड ये बिल्कुल वैसे ही लुक है जैसे कि स्नाइपर राइफल में मिलता है, तो काफ़ी अच्छा सा एक एस्थेटिकली लगता है एंड ऑल्सो जो इसकी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छी लगती है।
आप चाहो तो मिक्स एंड मैच कर सकते हो, यहाँ पे क्रोम वाला भी लगा सकते हो जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है, दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। तो यहाँ पे दो कलर ऑप्शन है, थर्ड वन इज क्रोम मैट जो कि ब्रश्ड मेटल होता है। अब वो मैंने देखा नहीं है एंड काफ़ी सारे मैंने सेलर से भी बात की है तो वो चीज़ अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो आपको क्रोम एंड ये मैट ब्लैक वाला मिल जाएगा इजिली। फाइनली जो चीज़ है इसको लेके वो है आपकी बाइक को ये एक कूलर लुक दे देता है, कंप्लीट लुक दे देता है। तो मेड लाइक अ गन गोज लाइक अ बुलेट, बिल्कुल इसके ऊपर अब नाम बिल्कुल सही बैठता है, बिकॉज जो ये देख सकते हो ये स्नाइपर राइफल वाला लुक, एक बैरल वाला लुक दे देता है, तो काफ़ी सही सा लगता है। डेफिनेटली दिस इज़ द बेटर चॉइस कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल रैपिंग। सो अगर आप रैपिंग कराने की सोच रहे थे तो डोंट गो फॉर दैट, गो फॉर दिस वन, यू वॉन्ट रिग्रेट इट। सो ये थे इसके प्रोज, नाउ बात कर लेते हैं इसके डाउन साइड के बारे में। तो मुझे एक ही डाउन साइड लगता है, वो है इसकी प्राइस को लेके, काफ़ी स्टीपली इसका प्राइस किया हुआ है, मतलब 1600 से 1800 के बीच में आपको मिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस ही है। बट जो चीज़ है वो आपको वन टाइम है, एक बार आपने लगा दी तो दिस इज़ लाइक आप इसको दोबारा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी इसका डैमेज नहीं होने वाला। रैपिंग में क्या होता है आपको बार बार चेंज करना पड़ता है एवरी ईयर, और कई बार 6 मंथ्स में भी चेंज करना पड़ता है क्योंकि रेन से बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, एंड ऑल्सो हीट, जो एक्सेसिव हीट होता है कई बार हीटिंग से अगर लो क्वालिटी रैप होगा वो भी ख़राब हो जाता है। तो वो इसके साथ इशू नहीं है बिकॉज ये 304 ग्रेड का स्टेनलेस स्टील है एंड दिस इज़ ब्लैक्ड आउट कम्प्लीटली, तो काफ़ी अच्छा लुक दे देता है। और इसके साथ क्रोम भी आता है, तो जैसे मैंने बताया क्रोम मैट ब्लैक एंड क्रोम मैट तीन ऑप्शंस हैं यहाँ पे, तो आपको जो चाहिए आप वो ले सकते हो। मैंने यहाँ पे ब्लैक वाला लिया है क्योंकि मुझे ब्लैक ही करना था सब कुछ, तो इसलिए मैंने ब्लैक लिया है यहाँ पे। बाय द वे ये जो एग्जॉस्ट है दिस इज़ फ्रॉम द वरदांची, इसका ऑलरेडी वीडियो को मिल जाएगा चैनल पे, अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे यहाँ पे मिल जाएगा, तो जाके देख लेना, बहुत ही अमेजिंग साउंड करता है एंड बहुत ही अच्छा एग्जॉस्ट है, डेफिनेटली यू शुड चेक दिस आउट। सो प्राइस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये 1600 से 1800 के बीच में आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट अमेजोन एंड साथ ही साथ टोटल एंड थंब पे। उसके बेस्ट बाय लिंक हमेशा की तरह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप चाहो तो वहाँ से ले सकते हो। So that's all for now guys. Now coming back to the point, does it works better than the traditional wrap? Yes, definitely it is better than the traditional wrapping because yahan pe jo cheez hai ye perforated hai to heat achhe tarah se dissipate karta hai unlike the wraps kyunki wahan pe heat ko wo insulate karta hai hold karke rakhta hai but yahan pe heat dissipate ho jati hai easily so cooling effect yahan pe zyada jaldi milegi bajaye aapke wrapping se। एंड दूसरी चीज़ ये है कि जो 304 ग्रेड का हीट शील्ड है तो यहाँ पे रस्टिंग नहीं होगी, नॉन कोरोसिव है, एंड साथ ही साथ जो मेन चीज़ है आपका जो कह सकते हैं बैंड पाइप है, हेडर पाइप है, उसको डैमेज नहीं करता, वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर वो सही है तो आपका पूरी बाइक सही है, आपका एग्जॉस्ट कहीं से भी डैमेज नहीं होगा, तो हेडर पाइप को कहीं से भी हार्म नहीं करता है। तो उसके लिए मैं कहूँगा अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो कराने का तो गो फॉर दिस, डोंट गो फॉर द ट्रेडिशनल रैपिंग, वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा और खर्चा भी है, आपको हर 6 मंथ या 1 ईयर में आपको चेंज करना पड़ता है। नो डाउट अगर आप नहीं करोगे तो आपकी बाइक का जो बैंड पाइप है उसकी बैंड बच जाएगी, तो इट्स बेटर टू गो फॉर दिस बिकॉज यहाँ पे ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, हालांकि थोड़ा महंगा है बट आपको ये लगेगा डेफिनेटली वर्थ बिकॉज जो चीज़ है वो आपकी बैंड पाइप को कहीं से भी हार्म नहीं करती है, आपका बैंड पाइप कहीं पर भी ख़राब नहीं होगा और इसकी लाइफ वैसी रहेगी, इवन प्रोलॉन्ग कर देगा बिकॉज यहाँ पर स्क्रैचेस भी नहीं लगेंगे आप, और काफ़ी सेफ भी है। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी एक्सीडेंटली हिट होगा तो आपके बैंड पाइप को कोई नुकसान नहीं होगा, ये उसको भी प्रोटेक्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको कंसीडर करनी चाहिए अगर आप साइलेंसर रैपिंग के बारे में सोच रहे हो। सो आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा, अगर लगा है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, जब तक कीप वॉचिंग मोटिवेशनल व्लॉग्स, स्टे सेफ, राइड सेफ, बाय।